बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा है कि डेटा स्ट्रक्चर को कैसे लर्न करना चाहिए। ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो वो है डेटा स्ट्रक्चर। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है तो वो है डेटा स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए तभी आप कोडिंग कर पाएंगे, लेकिन कोड को एफिशिएंट कैसे बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे बल्कि डेटा होता है, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एल्गोरिथम्स, ये भी इसी का एक साथी है, पार्ट है। तो ये अगर आपको इम्प्रूव करना है, ये अच्छे से लर्न करना है तो कैसे करेंगे? हमारे कॉलेजेस में जिस तरीके से अक्सर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है तो वो बहुत थ्योरेटिकल फैशन में हो जाता है। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स एल्गोरिथम्स को रट रहे होते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को पढ़ने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से उस पर कमांड बनानी है ताकि आप अच्छी कंपनीज में प्लेस भी हो सकें। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgi.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, डेटा स्ट्रक्चर को हमें किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये बहुत कॉमन सा सवाल है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सी या सी प्लस प्लस में ही डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने की शुरुआत करिए। नंबर वन, क्योंकि इसमें ये आसान होगा। नंबर टू, सी एंड सी प्लस प्लस आर द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नंबर थ्री, जितनी ए ग्रेड की कंपनीज हैं, आप फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, एडोबी की बात करें, आप अमेज़ॉन की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ये सभी जो बड़ी कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इन कंपनीज में ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम होता है वो सी सी प्लस प्लस में ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सी सी प्लस प्लस पे कमांड अच्छी करनी है और डेटा स्ट्रक्चर उसके थ्रू पढ़ना है। सी सी प्लस प्लस में बने प्रोग्राम्स ज़्यादा फास्ट रन करते हैं और सी सी प्लस प्लस में आपको मेमोरी मैनेजमेंट भी खुद करने की लिबर्टी मिलती है। तो ये सारी जो फीचर्स हैं ये कई एडवांस लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलेंगे, लाइक जावा, पाइथन वगैरह। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इसको सी और सी प्लस प्लस में स्टार्ट करें। तो ये तो हो गई हमारी नंबर वन बात कि किस लैंग्वेज में आपको इसको करना है इम्प्लीमेंट। दूसरी टिप ये है कि कई सारे लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में जो एल्गोरिथम्स हैं उनको रट रहे होते हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको रट रहे होते हैं, चाहे वो सॉर्टिंग सर्चिंग से रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स हो या फिर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन ये वाले ऑपरेशंस हो, ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन हो, तो इन सब में एल्गोरिथम्स रट रहे होते हैं कई सारे स्टूडेंट। ये सबसे गलत तरीका है पढ़ने का, इस तरीके से आप बड़ा मुश्किल एकेडमिक ही निकाल पाएंगे, करियर में आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, कोई इंटरव्यू इससे क्रैक नहीं होने वाला है। तो मेरी दूसरी टिप ये है कि आपको एल्गोरिथम्स का रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको उसे रटना नहीं है, बल्कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको कोडिंग वर्क करना है, आपको जितना हो सकता है सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम्स बनाने हैं, सारे एल्गोरिथम्स के प्रोग्राम्स बनाने हैं। जब आप ये करेंगे तब आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट करने के कारण आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी कमांड बढ़ पाएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को फ्यूचर में यूज़ कर सको अपने किसी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट में। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छी कमांड नहीं है, उनको बेसिक प्रोग्राम्स बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड अभी करना चाहते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि शायद आपके करिकुलम में, आपके कॉलेज में, एकेडमिक में, सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, तो आपकी चिंता ये है कि डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को हमें करना है भले ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अगर वो अच्छे से नहीं आता है तो आप डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं सीख सकते। ये बेहद ज़रूरी है कि आप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करें, प्रोग्राम्स बनाएं
और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। और देखो क्या होता है कि किसी ने प्रोग्राम बना दिया है, उसको पढ़कर समझने की आप मेहनत कर रहे हो और समझ में आ जाता है, तो आप ये मत मान लेना कि डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। आपको वो खुद से बनाना है। जब तक वो खुद से नहीं बनेगा, स्टैक का प्रोग्राम, ट्री का प्रोग्राम, ग्राफ का प्रोग्राम, जब तक वो खुद से नहीं बनेगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर्स में, और डेटा स्ट्रक्चर सही तरीके से आपको समझ में भी नहीं आएगा तब तक। इसीलिए किसी और के बनाए हुए सॉल्यूशन को देखने की बजाय आपको वो खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। भले ही फिर काफ़ी समय लग जाए एक एक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में, बट इट्स ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस तीसरी टिप में कि आपको सी लैंग्वेज में अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छे से कर लेने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के लिए। नंबर वन, फंक्शंस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शंस आपको बनाने ही बनाने, बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं आपको। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आपको इंसर्शन का, डिलीशन का, ट्रैवर्सिंग का, ये सब फंक्शंस आपको बनाने होते हैं। तो अब ये जो फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं कि भाई उसमें टेक समथिंग क्या होता है, यानी आर्ग्यूमेंट्स पास करना क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है, फंक्शन रिटर्न करता है उसका क्या मतलब है, वॉइड कब लिखना है, डिक्लेरेशन कॉल और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और पता होने का मतलब थ्योरेटिकल पता नहीं, इसके प्रोग्रामिंग लेवल पर आपको पता होना चाहिए, आपसे कोड बनता हो तो ये ज़रूरी है। तो फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट बेसिक थिंग आप कह सकते हो कि ये तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप एरे भी जानते हो, स्ट्रक्चर भी जानते हो, पॉइंटर भी जानते हो, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी जानते हो, DMA जिसको बोलते हैं, यानी मैलॉक, कैलॉक फंक्शन, फ्री फंक्शन, रीअलॉक फंक्शन। हो सकता है इसकी प्रैक्टिस आपने थोड़ी कम करी हो, वो चलेगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, उसका क्या पर्पज़ है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स में जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके इन पर कमांड आ जाएगी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है वो एरो नोटेशन से, जो पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस किए जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब डेटा स्ट्रक्चर्स की कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप बेहद कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अब चौथी टिप ये है कि आपको जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंट करना है तो आप डायग्राम बनाइए, उस डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा स्ट्रक्चर को हम विजुलाइज कर सकें, यानी इमेजिन कर सकें कि ओके ये इंसर्शन हो रहा है तो अभी ये स्थिति है कि इसके अंदर इतनी एलिमेंट्स हैं, और ये इंसर्शन हो रहा है तो इसने इसको शिफ्ट कर दिया। वो चीज़ को विजुलाइज करने में हमें शुरुआत में दिक्कत जाती है, इसलिए डायग्राम्स बनाने चाहिए कि जो चीज़ आपको विजुलाइज कर लेना चाहिए सोच कर, वो चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम आप डायग्राम बनाइए ताकि वो दिखे आपको। वो डायग्राम में आप चीज़ों को समझिए, एक एक ऑपरेशन को पूरा पूरा ट्रेस करिए कि अगर ये हो रहा है तो डायग्राम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हो रही है, कौन सी वैल्यूज़ शिफ्ट हो रही हैं, किन किन वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो यू हैव टू मेक डायग्राम्स। ये डायग्राम बनाकर लॉजिक को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा आपको कोडिंग करना। तो डायग्राम इज़ वन ऑफ द की थिंग जिससे कि आप कोडिंग एक्चुअल में कर पाएंगे। एक और टिप मेरी ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स शुरुआत में जब डेटा स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं बोलूँगा कि जब आप बिगनिंग कर रहे हो तब आपको बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अभी इग्नोर करिए, आप पहले डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ इम्प्लीमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग में मैच्योर हो जाएं, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो अपने लॉजिक के, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा बाद में ही एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा कोडिंग लेवल पे कंफर्टेबल हो जाएं, डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ बना लें, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको थोड़ा समझने लग जाएंगे, उसके बाद अगर आप सोचें कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना है तो वो उसके बाद ही ठीक रहेगा। एंड लास्ट टिप मेरी ये है कि आपको कोड को ड्राई रन करना है, यानी जो भी ऑपरेशन आप डेटा स्ट्रक्चर पे सोच रहे हैं, लाइक इंसर्शन इन अ क्यू, तो यू हैव टू मेक सम लॉजिक। ऑब्वियसली आप डायग्राम बना के देख रहे हो कि भाई क्या कैसे इंसर्शन होगा, क्या क्या सिचुएशंस होंगी जिसमें इंसर्शन थोड़ा सा एक्सेप्शनल पाथ लेगा, तो आप उन सिनेरियोस को डायग्राम में देख रहे हो,
फिर आप कुछ लॉजिक बनाते हो, तो उस लॉजिक को आप कोड करो, कंप्यूटर पे कोड करना ज़रूरी नहीं है, आप कॉपी पे ही लिखिए और उसको फिर ड्राई रन करिए, जो भी आपने लॉजिक सोचा है उसको ड्राई रन करिए, देखिए कि आपने जितने सिनेरियो सोचे थे वो सब कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो दिस इज़ द वे, इनिशियली यू कैन नॉट थिंक मच, आप सोच नहीं पाओगे कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, बट इवेंचुअली आप ये सोच पाओगे। वो तभी होगा जब हर बार आप पूरी ईमानदारी के साथ हर डेटा स्ट्रक्चर को खुद से बनाने की कोशिश कर रहे होगे, तब जाके ये जो दिक्कतें होती हैं, जो सोचने में दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आप सेल्फ इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और आप अगर मेरे से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास में, तो आप पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट है saurabhshuklaclasses.com, इस वेबसाइट पे जाके आप मेरे बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे बैचेस हर एक दो महीने में स्टार्ट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मेरी वेबसाइट saurabhshuklaclasses.com पर मिल जाएगी, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। और जो मेरे फ्री वीडियोस हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, वो आप mysurgi.com वेबसाइट है, इस पर जाके आराम से सर्च कर सकते हैं और आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, जिनको देखकर आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन अगर आपको वाकई में सीखना है और प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, तो मैं ऑनलाइन लाइव क्लास आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी चॉइस इज योर्स, बिकॉज वो पेड है। हम अक्सर फ्री कंटेंट चाहते हैं, तो फ्री कंटेंट भी है यहाँ पर, लेकिन जिसका असर होगा, जो जिससे आप सीख पाओगे, वो ज़रूरी है कि ऑनलाइन लाइव क्लास में हो, क्योंकि वो इंटरेक्टिव क्लास होती है। मैं क्लास में आपसे बात कर पाता हूँ, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हैं, जो डाउट आप पूछते हैं उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस तरीके से सोच रहे हो, आप कहाँ पे स्टकअप हो रहे हो, तो वो चीज़ पर मैं आपको प्रॉपरली हेल्प कर पाता हूँ, और इसलिए आप सोचना अच्छे से सीख पाते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आइडिया लगा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको किस तरीके से पढ़ना है। यकीन मानिए, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर अच्छे से होगा, तभी आप ए ग्रेड की जो कंपनीज हैं, जो हाई पैकेज पे आपको लेके जाती हैं, जहाँ क्वालिटी वर्क आपको करने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपके इंटरव्यूज तभी क्रैक होंगे जब डेटा स्ट्रक्चर्स पे आपको कमांड अच्छी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस लोगों के काम के हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।